स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली के गार्डनिंग सीज में मैं आपको आज दिखा रहा हूँ बेंगलोर के लालबाग बोटेनिकल गार्डन में कैक्टस। ये तरह तरह के कैक्टस हैं, देखिए ये मुख्यतः बलुआही मिट्टी पर उगते हैं। इन्हें सप्ताह में सिर्फ एक बार ही पानी देना होता है। ज़्यादा पानी देने से इनके जड़ों में सड़न हो जाती है। ये देखिए, आप इस तरह से देखिए, अगर आपको मौका मिलता है, कहीं अवसर मिलता है, तो आप खरीदिए, अपने घर में रखिए और धीरे धीरे शौक पालिए और इस दुनिया को और खूबसूरत बनाइए। ये सेकुलेंट है, सेकुलेंट की प्रजातियां हैं जो पार्शियल सनलाइट में रहती हैं। जो पार्शियल में होते हैं उनका कलर व्हाइटिश टाइप होते जाएगा और जो इंडोर हैं, प्योर इंडोर वाले, उनका कलर डार्क ग्रीनिश होगा। इस तरह से ये कैक्टस की प्रजातियां हैं। यहाँ रेड कलर्ड है, देखिए बेंगलोर के लालबाग में कितनी खूबसूरत तरीके से इन्हें सजाकर रखा गया है। ये सब रेड कलर्ड प्लांट हैं, स्पाइडर की अलग अलग प्रजातियां हैं। ये स्पाइडर हमारे लिए एयर प्यूरिफायर का काम करता है। और ये दूसरी प्लांट हम देखिए, ये काफ़ी कटीलेदार और इनके एक एक पत्तियां 10-10 दिन तक इसी रूप में रह जाते हैं। आइए आपको मैं एलोवेरा के अलग अलग प्रजातियां को दिखाता हूँ। आप अवगत होंगे कि एलोवेरा के क्या आयुर्वेदिक वैल्यू है। इसके एक एक प्लांट से कई तरह के मेडिसिन बनते हैं। अगर आप अवगत हैं तभी इस्तेमाल करें, पूरी जानकारी लेकर ही इस्तेमाल करें, आधी अधूरी जानकारी के साथ इस्तेमाल ना करें। तत्काल मैं आपको दिखा रहा हूँ इनकी अलग अलग प्रजातियाँ, एलोवेरा की अलग अलग प्रजातियाँ हैं। इन्हें स्नेक प्लांट बोलते हैं, जो कि बिल्कुल अगर आप गौर से देखेंगे सांप की तरह दिखते हैं और इसीलिए इन्हें स्नेक प्लांट बोलते हैं। ये सेकुलेंट की प्रजातियां हैं और ये फिर से स्नेक प्लांट हैं और ये कैक्टस हैं जिसे हम नागफनी भी बोलते हैं। कुछ तो आम नागफनी है और कुछ अलग अलग देशों से लाया गया है। आप इसे देख सकते हैं, कई हैं जो आपको इंडिया में कई जगह इसी तरह से सामान्य रूप से आपको दिख सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो कि अफ्रीकन कंट्री से भी आए हैं। इन प्लांट्स को कई जगह से लाया गया है, अलग अलग इनके जेनेसिस अलग अलग कंट्री में हैं। बेशक आज ये भारतवर्ष के भी कोने कोने तक पहुंच गए हैं। हम जैसे आपके जैसे पौधों के प्रेमी ने अपने घर में, अपने गार्डन में, अपने ऑफिस में इन्हें लगाया है और इस तरह से आप देख रहे हैं तरह तरह के पौधे। आप सचमुच आज हमारे साथ एंजॉय कर रहे होंगे पूरे लालबाग के बोटेनिकल गार्डन को। देखिए इनकी छोटी छोटी सी पत्तियां, ये फर्ण प्रजाति की हैं। और इस तरह से हमारे ये लीफी प्लांट, और ये देखिए आपको मैं कोलियस दिखा देता हूँ। यहाँ कोलियस है, कोलियस के कई स्पेसीज होते हैं, इनको लगाना बहुत ही आसान होता है। मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इनको कटिंग के तहत प्रोपोगेट करते हैं। इनका लाइफ लगभग 3 महीने तक ही होता है। 3 महीने के बाद इनका कटिंग करके फिर किसी और गमले में आप लगा लीजिए समय रहते। और एक बार आपने अगर एक पौधे खरीद लिया तो 10 साल में आप लाख पौधे भी बना सकते हैं, इतना ज़्यादा इनमें क्षमता होती है। तो यह है, हम सचमुच कहते हैं ना जिंदगी में कि तमसो माँ ज्योतिर्गमया, ज्योति से ज्योति जले, उसी का ये कोलियस जो है ज्वलंत उदाहरण। हम ज्योति से ज्योति जलाते हैं, इसी तरह से एक कोलियस से लाखों कोलियस बना सकते हैं। तो अगर क्या हम बुद्धिमान हो गए तो इस दुनिया को बुद्धिमान नहीं बना सकते क्या? अपने भारतवर्ष को इलिटरेसी यहाँ से खत्म नहीं कर सकते? सबको पढ़ने में, पढ़ाने में, उसे सुविधा प्रदान करने में क्या हम मदद नहीं कर सकते? तो आइए आज इस गार्डनिंग को देखते हुए हम अपने इनकलकेट करें, मन को मंथन करें कि क्या हमें और करने की आवश्यकता है। और इसी तरह से मैं आपको और भी वीडियो दिखाऊंगा तत्काल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अंत तक
देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।